हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज ज्योग्राफी क्लास कॉलेज जयरामपुर में ये ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं इस सत्र 2020-21 में आपका स्वागत करता हूँ। मैं क्लास में प्रवेश के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं आज अपनी पहली क्लास में क्लास 12th के बायोलॉजी को शुरुआत कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले मैं आपको क्लास 12th के बच्चों को बायोलॉजी कोर्स में कितना पढ़ना है उसके बारे में, सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप जब भी वीडियो देखें, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि कलम और कॉपी अपने साथ में रखे रहें, और जो भी आपको पॉइंट मिले, बिंदु मिले, उसको आप नोट करते रहें और उसके अनुसार आप अपना नोट्स बनाते रहें, तब आपको उसका लाभ मिलेगा, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। नहीं तो आप वीडियो देखने के बाद भूल जाएंगे और आपको कुछ लाभ नहीं होगा। सबसे पहले हम आपको सिलेबस के बारे में बताते हैं। आपका जो बायोलॉजी का कोर्स है, पूरा कोर्स 5 खंडों में बटा है, 5 यूनिट में कुल मिलाकर आपके कुछ 16 चैप्टर हैं। तो आपको 16 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें से एक एक यूनिट बारे में हम आपको बता रहे हैं, और हर यूनिट से पेपर में आपके प्रश्न आता है, जिसमें हर यूनिट का प्रश्न करना अनिवार्य होता है। पूरा जो आपका सिलेबस है आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर सामने, 5 यूनिट में बटा हुआ है, यूनिट 1 टू यूनिट 5। इसमें पहला यूनिट है जनन, इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। दूसरा है आनुवंशिकी और विकास, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तीसरा है जीव विज्ञान और मानव कल्याण, इसको कहते हैं बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। चौथा यूनिट है जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। और लास्ट पांचवा यूनिट है पारिस्थितिकी और पर्यावरण, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो इन पांचों यूनिट को आपको पढ़ना आवश्यक है, आप इसमें से किसी भी यूनिट को छोड़ नहीं सकते। अब इसमें से आप सामने देख रहे हैं किस यूनिट से कितने अंक आपको पेपर में करने के लिए आता है, सामने लिखा हुआ है। फर्स्ट यूनिट से 14 अंक, सेकेंड से 18 अंक, थर्ड से 14 अंक, फोर्थ से 10 अंक और लास्ट पांचवें से 14 अंक। कुल मिलाकर आपका टोटल मार्क हुआ 70। तो ये आपके 5 यूनिट हैं। पांचवे यूनिट में फर्स्ट यूनिट है आपका जनन रिप्रोडक्शन। पहले यूनिट में आपको पहला चैप्टर जो है, इस फर्स्ट यूनिट में आपको 4 चैप्टर दिए हुए हैं। थोड़ा सा पीछे आप चलिए, यहाँ जो आप यूनिट वाइज देखे थे, पहले यूनिट में कुल 4 चैप्टर हैं, दूसरे यूनिट में 3 चैप्टर, तीसरे में भी 3 चैप्टर, चौथे यूनिट में 2 चैप्टर और पाँचवें में 4 चैप्टर। कुल मिला के 4 3 7 3 10 2 12 4 16 चैप्टर आपको पढ़ना है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट यूनिट आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट में कुल 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है जीवों में जन्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। दूसरा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तीसरा है मानव जन्म, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। पाँचवा है जनन एवं स्वास्थ्य, रिप्रोडक्शन एंड हेल्थ। तो इन फर्स्ट यूनिट में कुल 4 चैप्टर हैं, जिसमें पहला चैप्टर आपका है जीवों में जन्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। इसमें आपके फर्स्ट टॉपिक है जन्म या प्रजनन। तो इसमें आपको पढ़ना है प्रजनन क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो जन्म को आप सामान्य तौर पर कह सकते हैं कि जनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक जीवधारी संतान की उत्पत्ति करता है, परंतु पारिभाषिक रूप से आप देखेंगे तो जनन की एक विधिवत परिभाषा होती है। इसमें आप कह सकते हैं कि सभी जीवधारियों में होने वाली वह जैविक प्रक्रिया जिसमें प्रत्येक जीव अपनी प्रजाति को जीव जगत में बनाए रखने के लिए अपनी जैसी संतान की उत्पत्ति करता है, जनन या प्रजनन कहलाता है। तो
यह एक जैविक प्रक्रिया है, ये प्रत्येक जीवधारियों में प्रत्येक सजीवों में पाई जाती है। अब जन्म के कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर उसकी परिभाषा बनती है। जैसे जन्म एक जैविक प्रक्रिया है, मीन्स इसका मतलब हुआ जन्म सभी सजीवों में होने वाली जनन एक जैविक प्रक्रिया है, अर्थात सभी सजीव जनन क्रिया करके संतान की उत्पत्ति करते हैं। दूसरा पॉइंट, सजीवों का या सजीवों का एक प्रमुख लक्षण है। आप सजीव निर्जीव के लक्षण में पढ़ेंगे कि सजीवों का एक प्रमुख लक्षण है जनन, प्रत्येक सजीव जनन क्रिया करके संतान की उत्पत्ति करता है। तीसरा, जनन जीवधारी क्यों करते हैं, क्योंकि प्रत्येक जीवधारी की जनन मूलभूत आवश्यकता और विशेषता होती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आगे मैं इसके आगे जो है पॉइंट उसको बताऊंगा। धन्यवाद।